जेल से चलती है 600 शार्प शूटर की बिश्नोई गैंग। नया अंडरवर्ल्ड बनाना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई। दाऊद इब्राहिम के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम। भारत में कितनी रखता है कुबत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, पिछले कई सालों से एक नाम जो उनकी दुनिया में बहुत ही मशहूर होता जा रहा है, काफी हद तक निकल कर भी सामने आने लगा है, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। मौजूदा समय में जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह कहलाने वाला लॉरेंस बिश्नोई आखिर कौन है? ये बिश्नोई जिसने सलमान खान तक को मारने की धमकी दे डाली है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मशहूर पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाले के कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। लॉरेंस फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, मगर केवल नाम के लिए। इससे पहले लॉरेंस राजस्थान की जोधपुर और अजमेर जेल में बंद था। इन दोनों जेलों में लॉरेंस ने लंबी सजाएं काटी है। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस गैंग में करीब 600 शार्प शूटर मौजूद है। लॉरेंस के खास दोस्त गैंगस्टर गोल्डी ब्रार ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा भी था कि गोल्डी ब्रार और लॉरेंस ग्रुप ने अपने भाई विक्की मिट्टू खेड़ा और गुरलाल ब्रार की हत्या का बदला लिया था। ये दोनों गोल्डी और लॉरेंस के बेहद करीबी थे। इन तमाम शहरों में लॉरेंस के रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे तिहाड़ जेल से ही अपना पूरा साम्राज्य यानी कि अपना पूरा गैंग राजस्थान सहित कई राज्यों में ऑपरेट कर रहा है। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिलसा जिले का रहने वाला था। गोल्डी ब्रार और लॉरेंस ने 2008 में पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से अपना काम साथ में करना शुरू किया था। लॉरेंस ने जब पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव लड़ा तब गोल्डी ब्रार उसका सीनियर था। धीरे धीरे दोनों ने क्राइम की दुनिया में अपना सिक्का जमाया और अमूमन ऐसा देखने को भी मिलता है। क्राइम की दुनिया में लॉरेंस का दबदबा कई लोगों की मदद से बना। लॉरेंस की एक साथी राजस्थान की लेडी डॉन कहलाने वाली अनुराधा गोल्डी ब्रार के साथ मिलकर इंटरनेशनल क्राइम को ऑपरेट किया करती थी। इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट चलाती थी। अनुराधा लंबे समय तक अजमेर जेल में भी बंद थी। लॉरेंस का सबसे करीबी शख्स राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल था, जिसने एक मरतबा UPSC तक की दावेदारी रखी थी। आनंद पाल गैंग के सुभाष मुन के कहने पर लॉरेंस के शूटर्स ने 5 साल पहले सीकर के पलसाना में पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या भी की थी। दरअसल सरदार राव सुभाष के चाचा हरदेवा राम का राजनीतिक दुश्मन था। इसी केस की पूछताछ में लॉरेंस ने बताया था कि आनंद पाल के दुश्मन उसके भी दुश्मन है। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आ चुकी है कि बिश्नोई अपना पूरा गैंग जेल से ही ऑपरेट करता है। उसका राजस्थान में मुंबई जैसा अंडरवर्ल्ड बनाने का सपना है और इस सपने को साकार करने के लिए आनंद पाल की मौत के बाद उसने ये खाब देखना शुरू किया था। आनंद पाल की मौत पुलिस एनकाउंटर में जून 2017 को हुई थी। लॉरेंस ने 2017 में राजस्थान में सबसे पहली वारदात जोधपुर में की थी। उसने जोधपुर शहर के दो बड़े बिजनेसमैन को रंगदारी के लिए धमकाया था। अब जब रंगदारी नहीं मिली तो लॉरेंस ने उनके घर के बाहर फायरिंग भी करवाई थी। इस घटना के बाद राजस्थान में पहली बार लॉरेंस के नाम की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। दिसंबर 2017 में ही जोधपुर के एक व्यापारी के मर्डर में भी उसका नाम आया था। उस समय लॉरेंस पंजाब के फिरोजपुर जेल में बंद था। जोधपुर पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर जोधपुर लाई थी। जोधपुर जेल में रहते हुए उसने राजस्थान में अपना नेटवर्क बुलंद करना शुरू कर दिया था। इसके बाद शहर में फायरिंग की घटनाएं बढ़ने लगी तो उसे अजमेर जेल शिफ्ट कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम पहली बार तब सामने आया जब उसने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। कोर्ट में पेशी के दौरान 5 जनवरी 2018 को सलमान को मारने की धमकी दी गई थी। तब ऐसा माना गया था कि उसने ये धमकी इसलिए दी क्योंकि वो हिरण शिकार केस में सलमान खान के विरोधी बिश्नोई समाज के लोगों का दिल जीतना चाहता है और हो सकता है ये एक हद तक सही भी हो। उसने इसी रणनीति पर काम करते हुए आनंदपाल गैंग का भी सपोर्ट किया था ताकि आनंदपाल गैंग का भी वो सरगना बन सके और राजस्थान में उसका नेटवर्क और मजबूत हो जाए। लॉरेंस स्टूडेंट यूनियन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि सोपू SOPU के जरिए अपने गैंग की पहुंच राजस्थान की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में भी बना रहा है। सोपू ग्रुप से कॉलेज के युवाओं को जोड़ा जा रहा है। ये लगातार पिछले कई सालों से ये मुहिम जारी है। अजमेर, जयपुर, उदयपुर और सीकर के साथ साथ नागौर में भी सोपू ने अपना पूरा पैनल बना रखा है और इसी के साथ तिहाड़ जेल, जो भारत की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है, बिश्नोई गैंग का मानो पूरा अड्डा बन चुकी हो। हालांकि ये कड़वी बात है लेकिन सत्य है दोस्तों। लेकिन इस सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।